बड़ी ये वाला ट्रैक ये रात। बहुत आपने गलत किया, क्योंकि अभी जो एक गाड़ी है ट्रैक्टर के पीछे लगे हैं जी। अच्छा वो ट्रैक्टर वाला भगा कर वापस ले आए कहां पर आता करके। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मस्तौर। और मिशन देवसाई जो है ना वो मुझे नाकाम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया है और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। और इस साइड पे देवसाई वाली साइड पे आई थिंक कि बारिश या स्नोफॉल भी हो रही होगी, तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। आगे यहाँ से 50 किलोमीटर पे चलम है, चिलम चौकी, वहाँ पे इस टाइम जो है ना वो गूगल शो कर रहा है कि बारिश हो रही है, तो लेट्स सी कि क्या बनता है। बारिश का क्या हिसाब है यार? आगे अंदर नहीं जाओगे तो बेहतर है, क्योंकि बर्फ़ पड़ेगा तो फिर परेशान हो जाओगे। चले बस देख लो आगे मौसम, देखिए चलो उधर पता करते हैं, तुम्हें पता भी करूँगा फोन करके। अगर पता कर दे तो मेरे थोड़ा सा जारी है, लेकिन रोड पे नहीं लगा है, बर्फ कह रहा है। ठीक है, खैर हल्का फुल्का बारिश है, इतनी तेज नहीं है। ठीक है, तो बाहर आप देख लें अगर आपके पास स्मार्टफोन तो है सारा कुछ, बारिश का भी है। अच्छा अनुस बारिशों सामान यही छूने वैसे इतिया तंथु नंबर कदम रखे। आपने जाना कहाँ, चिलम से वापस आना या आगे? आगे भी जाना, आगे दूसरे जाना। आज और कल में मौसम खराब है, परसों से मौसम ठीक है। मैं चल रहा, मैं रुक जाऊंगा अगर ज़्यादा मौसम खराब। बस एहतियात ये करें कि स्लिप स्लिप ना हो जाए ना। नहीं वो उसका था बस। ठीक है, आराम आराम से जाए, कोई इशू नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, चले बारिश जो है ना वो ज़्यादा हो गई है, लेकिन अब ठान ली है कि चिलम तक तो जाना ही जाना है ना। आगे देवसाई जाने देते हैं, नहीं जाने देते कोई मसला नहीं है,
लेकिन चिलम तक लाजमी जाना है, वो है यहाँ से 40 किलोमीटर, और मैं स्टोर से तकरीबन कोई 10-15 किलोमीटर आगे हूँ। और मौसम जो है ना वो काफ़ी ख़राब है, वो देखें ज़रा सामने बादल ठीक ठाक हुए हमें, तो लेट्स गो। क्या हाल है? चिलम जीप भी नहीं जाएगी? जीप भी नहीं जाएगी? अच्छा ये अच्छा, चिलम से पहले कोई होटल होटल है? शुक्रिया, ठीक हो। किसने? टूरिस्ट पुलिस इकबाल ने भेजा। चाहिए था एक बड़ा बड़ा चीज़ है वो। कितने जा रहा हूँ अभी? छोटे से बड़ा नहीं है ये बड़ा सा। मैं जा रहा हूँ चिलम। आरसीसी होटल किधर है? इधर आरसीसी होटल इकबाल ने नीचे जाने की जगह। अब हम वापस निकलने लगे हैं अस्तोर की तरफ, क्योंकि मौसम के हालात का कोई पता नहीं है। अभी तक यहाँ बारिश हो रही है, और चिलम जो है ना वो यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर है, लेकिन 1.5 घंटे का सफ़र है। तो बजाय इसके कि आगे जाएँ ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएँ, तो वापस जाना चाहिए, क्योंकि आगे 2-3 दिन जो है ना अभी मज़ीद बारिश होनी है यहाँ पर, और चिलम और देवसाई में स्नोफॉल होगी, तो रुकना मुनासिब नहीं है। तो लेट्स गो बैक, इंशाल्लाह फिर कभी सही।
नहीं अब यहाँ से कल आप सुबह पड़ेगा मसाइल होंगे, फिर मसाइल होंगे। हम इस इलाके के हैं, मतलब सुबह वापस भी यार नहीं जा पाऊंगा। नहीं रात को मुश्किल है, पड़ेगी फिर मसाइल होंगे। आप बाइक लेके हो ना आप, मुश्किल आ गई। बाकी आपकी मर्जी, अब तो वापस भी काफ़ी सफ़र है, वापसी खुद ही रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उधर भी बर्फबारी होगी फिर, उधर से आगे मसला नहीं है, यहाँ से आगे मसाइल नहीं। लैपटॉप पे हाइट होती है, वहाँ उधर से आगे इतना मसला हो तो आपके लिए मसाइल होगा। हम इस इलाके के हैं, बाशिंदे हैं हम, इसलिए हम हमें कहते हैं आपकी मर्जी, जो आप बेहतर जानते हैं चले। बाकी बताना हमारा फर्ज होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रास्ता बेहतर करेगा, रास्ता ऐसा ही है। जब बंदा निकला हो एडवेंचर करने और एडवेंचर हो ना, तो ये कैसे हो सकता है। रास्ते में मैं वापस मुड़ गया था स्टोर की तरफ कि यार नहीं जाना आगे, वापस चलते हैं। फिर वापस आया हूँ कि नहीं यार मैंने जाना है चिल्लम, लाजमी जाना है, शायद स्नोफॉल मिल जाए। फिर वापस मुड़ गया कि नहीं यार वापस चलता हूँ, ज़्यादा कहीं फांसी ना जाऊँ। फिर वापस मुड़ के जो है ना चिल्लम वाली साइड पे जा रहा हूँ, और क्या मज़े का एडवेंचर हो गया ये। अब यहाँ से 1 किलोमीटर है चिल्लम चौकी, वहाँ पे जाकर स्टे करेंगे, पता नहीं आना भाई। और ये बाइक पे स्नो चेक करें ज़रा, करते हैं ना। नहीं रात को नहीं, जाना तो दिन को ही है ना। दिन को तो कुछ भी मसला नहीं है,
घर चला जाऊँगा अगर। और इसी रोड पे भी रिच है, इधर हमारे पास भी आते हैं। अच्छा तो मैंने गलती की है, बहुत बड़ी ये वाला ट्रैक रहा। बहुत आपने गलती की, क्योंकि अभी जो एक गाड़ी है ट्रैक्टर के पीछे लगे जी। अच्छा वो ट्रैक्टर वाला भगा कर वापस ले आए, काम रहा था तीन बजे चले। ये तो शुक्र करो अल्लाह का कि आते हैं, ठीक नहीं, क्योंकि बाइक स्लिप होने का भी बड़ा खतरा है। बहुत खतरा होता है, ये तो बुझा ही नहीं सकते। नहीं चला ही नहीं सकता। नहीं आप तो मुझे ऊपर जाते भी डर लग रहा है। ऊपर तो अभी होटल है सारे। अच्छा अपनी में जाता हूँ ऊपर देव सही। ओके लाफिस। फाइनली जी हम पहुंच गए चिल्लम, और तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 6-6 इंच तकरीबन बर्फ़ पड़ चुकी हुई है इधर। देखते हैं कि अब सुबह क्या बनेगा हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। चल मैं भाई इस मौसम को देखकर उधर से वापस चिल्लाना।